जी के आने से यहाँ पे जो है युवाओं में जो है जोश बढ़ेगा, उनका उत्साह बढ़ेगा। अच्छे दिन कैसे बताएं आपको कि इतने अच्छे दिन हमने कभी नहीं देखे थे। शायद हमें ऐसे अच्छे दिन चाहिए भी नहीं कि ये काले धन के ऊपर बात करते थे, ये महंगाई के ऊपर बात करते थे, ये रोजगार के ऊपर बात करते थे, ये भ्रष्टाचार के ऊपर बात करते थे। प्रॉमिसेस किए थे इसको ये किसी को भी ये नहीं खड़े होगा। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के कुछ युवा जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में उनकी क्या भूमिका रहेगी और क्या रहेगा आज का प्रोग्राम। सर आपका नाम? मेरा नाम आशीष गजपति का, मैं प्रदेश महासचिव हूं युवा कांग्रेस। तो आज राहुल गांधी जी आ रहे हैं जी, तो कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। राहुल जी के आने से यहाँ पे जो है युवाओं में जो है जोश बढ़ेगा, उनका उत्साह बढ़ेगा और आने वाले 19 मई को यहाँ के सांसद पवन कुमार बंसल जी के पक्ष में बहुत ही हद से ज़्यादा वोट पड़ेगा और बंसल जी यहाँ से जीत कर जाएंगे। देश में रोजगार, युवा जो है आप समझ सकते हैं कि पिछली बार जो 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, उन्होंने 2 करोड़ रोजगार एक सालाना देने का वादा किया। उसी पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है, चाहे वो शहर हमारा चंडीगढ़ का हो, चाहे वो पूरे देश का हो, वो एक रोजगार देने का मुद्दा है। और कांग्रेस इस पर जो है राहुल जी ने गरीब के लिए भी, जिनकी जो बहुत ही गरीब परिवार से हैं, जिनके 12,000 से कम की मासिक, उनके लिए 72,000 रुपये की एक स्कीम लाई है सालाना। और यही मुद्दे कांग्रेस, इन्हीं मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव तक लड़ने जा रही है। और जहाँ तक मुझे विश्वास है कि देश का मूड जो है वो बदल चुका है, मोदी जी का जो और बीजेपी की जुमलेबाजी वो सामने आ चुकी है और जनता 23 मई को इनको जवाब देगी। अच्छा, मोदी जी का एक नारा था अच्छे दिन आने वाले, तो उस पर आपके क्या विचार? अच्छे दिन सर, अच्छे दिन कैसे बताएं आपको कि इतने अच्छे दिन हमने कभी नहीं देखे थे। शायद हमें ऐसे अच्छे दिन चाहिए भी नहीं है। आज बात इनकी घोषणा पत्र की करी जाए तो इन्होंने घोषणा 2014 में करी थी कि ये काले धन के ऊपर बात करते थे, ये महंगाई के ऊपर बात करते थे, ये रोजगार के ऊपर बात करते थे, ये भ्रष्टाचार के ऊपर बात करते थे। तो ये किसी भी अपने जो भी इन्होंने प्रॉमिसेस किए थे उस पर ये किसी के भी ये नहीं खड़े उतरे हैं। तो सब जनता जा चुकी है और अच्छे दिन की बात ना ही रही तो अच्छे दिन तभी आएंगे जब नरेंद्र मोदी ऐसे जाते हैं। तो आज के जो प्रोग्राम है उसको लेकर क्या पक्का प्रबंध किए गए? आज हमारे यहाँ से जो चंडीगढ़ के सांसद पवन बंसल जी की अगुवाई में यहाँ पे बहुत ही जोर शोर से जो है तैयारी करी जा रही है। करीब 10,000 से प्लस जो है यहाँ पे 10,000 से 15,000 तक की जो है यहाँ पे सिटिंग प्लान होगा और राहुल जी को देखने के लिए उत्साहित है लोग यहाँ पे जो है। और पंजाब से मेरे कुछ नागरिक भी आएंगे और चंडीगढ़ में जो है पवन बंसल जी की तैयारी में लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा एक पेश होने का। हमारे साथ कुछ कांग्रेस के युवा नेता, कैमरामैन चंद्र प्रकाश के साथ मंदीप गौतम। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।